नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपने इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की किताब है, एम लक्ष्मीकांत की, उसको शुरू कर रहे हैं। जो इसका लेटेस्ट एडिशन है, जो सिक्स्थ एडिशन है, उसको हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझना हो किसी भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको पॉलिटी समझनी है तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पड़ेंगे। जिससे भी आप पूछोगे कोई एक किताब पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए, तो वो होती है लक्ष्मीकांत। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको एक चीज ये करनी है कि आपको बस अपने पास एक लक्ष्मीकांत की सिक्स एडिशन की किताब खरीद के रखनी है। तो आप उसको कहीं से भी मंगा सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी दुकान से आपको ये किताब मिल जाएगी। बहुत ही कॉमन किताब है, ऑलमोस्ट सबके पास होती है। इनफेक्ट इनकेस अगर आपके पास सिक्स एडिशन नहीं है, अगर आप फिफ्थ एडिशन पढ़ रहे हो इस किताब का, तो भी आप इस चीजों में, इस मतलब आप वीडियोस में जो आपको पढ़ाऊंगा, आप फिफ्थ एडिशन खोल के भी उसको रिलेट कर सकते हो। फिफ्थ और सिक्स में यही फर्क है, कुछ चैप्टर्स में अपडेट है और कुछ नए चैप्टर्स है। तो जो भी अपडेटेड चीज है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ओके, तो आपको किताब अपने पास खरीद के रखनी दोस्तों। ये वीडियोस अगर आप सारी देख लेंगे, आपको इंडियन पॉलिटी कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। जो दो दो एक एक लाख की कोचिंग देके आप पढ़ते हैं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये पहला पार्ट है आपका, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए, जब फर्स्ट पार्ट में जो हम शुरुआत करेंगे, तो जो लक्ष्मीकांत की किताब का पार्ट वन है, जिसका टाइटल है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो पहली यूनिट है, उस यूनिट का टाइटल है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की पहले यूनिट का आप कह सकते हैं टाइटल है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो टाइम पीरियड्स को बांटा गया है। एक है आपका कंपनी रूल, तो एक टाइम पीरियड उसमें आपका कंपनी रूल, जो कि है आपका 1773 से 1858 का। और उसके बाद दोस्तों आता है आपका क्राउन रूल। जो क्राउन रूल होगा वो होगा 1858 टू 1947 का, जब तक हमको आजादी मिलेगी। तो क्राउन रूल को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहां पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं द कंपनी रूल से। पर कंपनी रूल पे जाने से पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़े से बेसिक को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स अपनी इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, अच्छा मैं ये होप कर रहा हूं कि आपने लक्ष्मीकांत की किताब अपने सामने खोल रखी है, क्योंकि आप उससे पढ़ते चलिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। वैसे तो मैंने कुछ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स भी आगे बना रखे हैं, बट इन शॉर्ट पॉइंट्स के साथ साथ देखिए, जो लोग नोट्स बनाने के लिए पर्सपेक्टिव रखते हैं, पॉलिटी में नोट्स बिल्कुल मत बनाइए दोस्तों। आप अपने पास एक हार्ड कॉपी रखिए इस लक्ष्मीकांत की, और अपने पास एक मार्कर रखिए। पढ़ाते वक्त मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन मार्कर्स को, उन पॉइंट्स को अपने हाईलाइटर से या मार्कर से नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आप हाईलाइटर ले लीजिए, उससे अपने इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए, वही आपके नोट्स हैं। क्योंकि पॉलिटी बहुत बड़ी है, लिखने पे नोट्स करने पाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि इस लक्ष्मीकांत की किताब को एक बार पढ़ने के बाद आपको बहुत बार रिवाइज करना होगा, तो उस रिविजन के टाइम पे जो कुछ भी आपने हाईलाइटर से मार्क किया होगा, वो एक तरीके से आपकी मदद करेगा। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में पहली बार कब आए थे, तो 1600 के लगभग ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए थे, एज व्यापारी आए थे, एज बिजनेस पर्सन आए थे, ठीक है। और वो किस फॉर्म में आए थे, तो दे वर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे ये ट्रेडर्स। इन ट्रेडर को एक चार्टर मिला था। चार्टर किसने दिया था? चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था इनको। ओके, और उस चार्टर के दम पे, चार्टर कह सकते हैं कि ये जो एलिजाबेथ थी वो भाई रानी थी आपकी इंग्लैंड की, उनके पास परमिशन थी सबको कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं करने की। तो इन क्वीन ने इस कंपनी को ये परमिशन दी कि भाई आप जाके ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। और फिर लोग भैया इंडिया में ट्रेड करने ये लोग पहुंचे इन 1600 एज ट्रेडर्स। तो शुरुआत में जब 1600 में यहां पे आए, तो भैया बहुत हमारे जो देश है उसमें मुगल काल का शासन था। अच्छा, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, 1556 से 1605 तक किस मुगल काल के एम्परर का राज था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। वैसे तो मैं आपको बहुत ही हलवा सवाल पूछ रहा हूं, बट आपको पता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस समय पे ये परमिशन लगभग मिली थी इन ब्रिटिशर्स को आके इंडिया में ट्रेड करने की, उस समय मुगल काल का शासन चल रहा था। और धीरे धीरे फिर इसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आकर मुगल शासकों से परमिशन मांगेंगे कि भैया हमको ट्रेड करने दीजिए। वो किस तरीके से परमिशन मांगेंगे और किस ऑर्डर में वो आएंगे, वो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस किया है, आगे भी डिस्कस करूंगा जब मैं स्पेक्ट्रम की वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। 1765 में
हिंस याद रखिएगा दोस्तों, 1765 में इस कंपनी को परमिशन मिल गई और उस परमिशन को बोला गया दिवानी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये दीवानी दी किसने। तो शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे उन्होंने ये दीवानी दी थी शाह आलम। और शाह आलम ने ये दीवानी दी क्यों, देखिए 1764 में 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप बैटल ऑफ बक्सर की वीडियोस देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए बैटल ऑफ बक्सर हर्षित द्विवेदी तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्परर हार गए थे भाई और आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के टर्म्स में दीवानी देनी पड़ी शाह आलम को, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये दीवानी थी किसकी, ये दीवानी थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा। तो बंगाल बिहार और उड़ीसा बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि एरिया के ऊपर दीवानी दी गई। अब ये है क्या दीवानी, है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ध्यान दीजिएगा, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, सिविल जस्टिस के ऊपर राइट और रेवेन्यू के ऊपर राइट। यहां पे देखिए क्रिमिनल जस्टिस नहीं है, बट क्रिमिनल जस्टिस तो चाहिए ही नहीं था। देखो ब्रिटिशर्स को चाहिए क्या था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था राइट केवल एक चीज के ऊपर, वो था आपका रेवेन्यू। और जब रेवेन्यू के ऊपर राइट्स आएंगे मतलब पैसे के ऊपर राइट्स आएंगे, और रेवेन्यू के ऊपर राइट का मतलब क्या है कि देखो बिहार बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में जो कि जो कुछ भी फार्मिंग हो रही थी उस पर टैक्सेस लगाने की ताकत आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। यानी रेवेन्यू से रिलेटेड सारी ताकत आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई बंगाल बिहार और उड़ीसा में। और इससे सफर शुरू हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एज अ टेरिटोरियल पावर। अब एक पावर के रूप में उभरेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पावर का एक बहुत मेन एलिमेंट होता है कि आपके पास टैक्स लगाने की ताकत होनी चाहिए। और वो टैक्स लगाने की ताकत आपको कहां से मिली, इस दीवानी से मिली जो कि शाह आलम ने दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिविल जस्टिस की भी परमिशन दी गई थी इस दीवानी के अंदर में, क्रिमिनल जस्टिस की नहीं दी गई थी, बट उस समय पर क्रिमिनल जस्टिस ढूंढ भी नहीं रहते ये ब्रिटिशर्स। एक्चुअली में क्रिमिनल जस्टिस किसी को इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई लेना देना नहीं था, उनको लेना देना बस इस बात से था कि उनको पैसा मिले, और पैसा उनको रेवेन्यू राइट से मिलेगा, और ये रेवेन्यू राइट इनको इस दीवानी के थ्रू मिल गए थे। फिर आप धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, 1858 आएगा और 1858 में हो जाएगी सपॉय म्यूटनी। हालांकि इससे बहुत पहले से ही सपॉय म्यूटनी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगहों पर शुरू हो गई थी। ओके, सपॉय म्यूटनी के चक्कर में तगड़ा बवाल हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट या फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है। अब इसकी बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं अलग अलग हिस्टोरियंस ने। उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का। अब ब्रिटिश कंट्रोल जो क्राउन था वो सीधे सीधे अपने ऑफिसर्स के थ्रू इंडिया को गवर्न कर रहा था, और ये ब्रिटिश क्राउन का रूल चलेगा 1947 तक। अब सपॉय म्यूटनी के बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजंस थे। एक रीजन तो ये था कि भैया जो डलहौजी थे वो एनेक्स करते चले जा रहे थे अलग अलग कॉलोनीज को, फिर बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया गया था, फिर ये जो सपॉयस जिनकी बंदूक के दम पे इस ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर उनको भी उन्होंने नाराज कर दिया था। तो ऐसे बहुत सी वजहें थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ, तो उनको हम बाद में देखेंगे। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू हो रहा है वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़िए वहां पे भी आपको मिलेगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो भैया एक संविधान की जरूरत हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बैठी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया 1946 में। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में, और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया वो आया 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो पहले ही फोर्स में आ चुके थे, उनको हम लोग समय समय पर जब जरूरत होगा तब देखेंगे। अब हमको यहां पे समझना है, देखिए फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हुई थी। उस बैकग्राउंड में जो चीजें हुई थी जिन्होंने हमारे देश के गवर्नमेंट का, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल फ्रेमवर्क को एक शेप दिया है। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क बना था हमारे संविधान का वो एकदम से नहीं बन गया, तो उससे पहले ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिनको समझना जरूरी है। कुछ इवेंट आपके कंपनी रूल के दौरान हुए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आप कह सकते हो कि 1773 से
1858 के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो पहले से ही है, बट 1773 से 1858 के बीच में जो चीजें हुई हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और वो चीजें जो कि क्राउन रूल के दौरान हुई उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो किस इवेंट्स की बात हो रही है, 1858 से 1947 तक के। तो हम वो इवेंट्स को देख रहे हैं जो कि 1773 से 1858 में हुए, और जिन्हों आप कह सकते हो जिन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क को बनाने में मदद की है। हुआ यह कि देखिए जो कुछ भी हो रहा था धीरे धीरे हो रहा था, एक एक्ट आता था उसके बाद एक और एक्ट आता था उसके बाद एक और एक्ट आता था, पहले रेगुलेशंस आए फिर एक्ट आए, सब में थोड़े 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 इंप्रूवमेंट थे, और फाइनली उन सारे इंप्रूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे संविधान में, जो कि फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। आप सबसे पहले बात करेंगे किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की यह है कि भैया दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम था ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश सरकार का, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल किया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी नकेल थोड़ी लगाम लगाई जा सके, उसके फंक्शंस को रेगुलेट किया जा सके। देखिए क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन दी थी कि आप जाके वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको ट्रेडिंग की परमिशन मिली थी, बट चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे अपने आप को धीरे धीरे एज अ टेरिटोरियल पावर और पॉलिटिकल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टिंग्स के लिए भी भैया अच्छी खासी बोलियां लगती थी इंग्लैंड में, सब लोग चाहते थे कि भाई उनके बच्चे जो इंग्लैंड की वेल्दी फैमिलीज थी ना उनके बच्चों को इंडिया में पोस्टिंग मिले, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो इंडिया था एक बहुत प्राइज्ड पोजेशन था, एक बड़ी कीमती सी जगह थी, तो ऑब्वियस ही बात है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और इसीलिए यह पहली कोशिश थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करे ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एक शेप दिया गया, ध्यान दीजिए पॉलिटिकल फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब पॉलिटिकल फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को शेप कैसे दिया गया, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किस तरीके से आप ये समझिए कि एक कलेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम यह है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको मैनेज करना। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज की डेट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो पॉलिटिकल काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल काम क्या होता है कि भैया वहां पे होना क्या है इस चीज को डिसाइड करना। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट के लिए, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर लोकसभा होती है हमारी सेंटर के लिए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बनाते हैं नियम। इन नियमों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को, जिसमें कलेक्टर्स हैं और उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कैपेसिटी में काम कर रही थी, पहली बात ईस्ट इंडिया कंपनी नियम भी बना रही थी, दूसरी बात उन नियमों को इंप्लीमेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो यहां पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला नहीं भैया आपकी ये दोनों एक्टिविटीज अलग है, नियम बनाना अलग है, जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो अलग है, और एडमिनिस्टर करना अलग है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग है। इस चीज पे बात करी, और दूसरी बात इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज तरीके से हो, इसकी बात करी। सेंट्रलाइज तरीके से कैसे होगा, देखिए भैया गवर्नर बॉम्बे का अलग था, मद्रास का अलग था, बॉम्बे का अलग था, तो एक सेंट्रल तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम अपना किसी एक आदमी को वहां भेजेंगे और वो एक आदमी सबसे इंपॉर्टेंट होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन में, वही एक आदमी हमको रिपोर्ट करेगा, कुछ इस तरीके का दिमाग लगा रहे थे जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड में लोग बैठे थे। तो अब हम देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हुआ क्या। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको उपाधि दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसमें चार मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसमें चार मेंबर्स थे, और इन चार मेंबर्स का काम क्या था, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गई बहुत बड़ी पोस्ट, ठीक है, अब वो एक अकेला आदमी तो सब कुछ कर नहीं सकता, तो उसको हेल्प करने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो वो लोग बैठेंगे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ये लोग होंगे चार, और बहुत सारे डिसीजंस के लिए शुरुआत में इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाई, और फिर उसकी एक काउंसिल बनाई, उस काउंसिल में चार लोग थे जो इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद करेंगे। जो पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है, जो चीज भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्कर से, उसको हाइलाइटर से मार्क करते चलिए अपनी किताब में, हर चीज को मार्क मत करिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करिए।
जैसे कि लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स पे आप एक हाईलाइटर चला सकते हैं। फिर अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे जो ब्रिटिश हुकूमत है वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में किसी एक आदमी को आपको ताकत देनी पड़ेगी। तो वो ताकत किसे दी गई? वो ताकत दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। कैसे? कि गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई ताकत। कैसे ताकत दी गई? कि भाई जो गवर्नर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का और जो गवर्नर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी का वो रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो ही विल बी रिपोर्टिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो तीन प्रेसिडेंसी थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, और ये तीनों प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बंगाल प्रेसिडेंसी भी इंपॉर्टेंट थी, मद्रास प्रेसिडेंसी भी इंपॉर्टेंट थी, और आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इंपॉर्टेंट थी। और तीनों प्रेसिडेंसी आपस में इंडिपेंडेंट थी, इनके जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया करते थे तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए। इसीलिए आप देखोगे कई बार जब हम मराठा से ट्रीटी की बात करेंगे तो एक प्रेसिडेंसी के द्वारा साइन की गई ट्रीटी बाद में जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है वो नहीं मानेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको यहां लेके नहीं आते। तो जो बॉम्बे का गवर्नर होगा अब और जो मद्रास का गवर्नर होगा भाई, वो अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को करेगा रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ताकतें नहीं छीनी गई, अभी भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास कुछ ताकतें थी, बट वो इंफीरियर हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। धीरे धीरे देखेंगे कि आगे के रेगुलेटिंग एक्ट्स के थ्रू इनकी ताकतें और छीनी जाएंगी। किसकी? गवर्नर ऑफ बॉम्बे की और गवर्नर ऑफ मद्रास की। फिर इसी भैया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ये बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया जाएगा? कैलकाटा में बनाया जाएगा, और ये चीज 1774 में बनाई गई आपकी। इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और तीन और जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस और तीन अदर जजेस। आपसे सवाल ये है कि इसके पहले चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब एक और यहां पे शर्त रखी गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में काम कर रहे हैं, वो यहां पे किसी भी तरीके की ब्राइब या प्रेजेंट नहीं लेंगे या किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। होता क्या था देखिए दोस्तों, कि अब ये कंपनी के जो सर्वेंट्स थे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपॉइंटेड थे, जहां जहां भी अपॉइंटेड थे वहां के लोकल राजा रजवाड़े हुआ करते थे। वो राजा रजवाड़े इनको अक्सर कर भाई अलग अलग तरीके के शानो शौकत प्रोवाइड करते थे, इनको पैसा देते थे, इनके इनकी सर्विस में बहुत सारे नौकर भेजा करते थे। तो इस तरीके की चीजें इन कंपनी सर्वेंट्स को दी जाती थी, और इन कंपनी सर्वेंट्स की लाइफ बहुत ज्यादा लग्जूरियस थी। तो जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठी थी उसको ये लगा कि भाई ये कंपनी सर्वेंट्स को इतनी ज्यादा लग्जूरी जो मिल रही है उसके चक्कर में ये अपना काम ठीक से कर नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के हक्के में काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे इनके ऊपर एक बैन लगा दिया कि भाई आप किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी भी तरीके की कोई रिश्वत नहीं लेंगे, और आप प्राइवेट ट्रेड में भी इंगेज नहीं करेंगे। प्राइवेट ट्रेड मतलब कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस वहां नहीं चला सकते, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नौकर है, तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप खुद का कोई छोटा मोटा पेटी ट्रेड या बिजनेस नहीं चला सकते। इस चीजों से रोक दिया गया इनको। उसके बाद फाइनली फ्रेंड्स, ब्रिटिश हुकूमत का जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा गया कि आप रेवेन्यू मैटर्स में, सिविल मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश हुकूमत के पास सबमिट करिए। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ऐसी बॉडी थी जो कि आप कह सकते हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लीडर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर्स ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे लंदन में, ये इंडिया में नहीं थे। तो ये लंदन में बैठ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड लेते थे, और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग कंपनी सर्वेंट्स की पोस्टिंग करते थे इंडिया में। तो जो ब्रिटेन के रईस लोग थे, जब भी उनको अपने बच्चों की पोस्टिंग करानी होती थी वो इनके पास सिफारिशें लेके जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कि मेरे बच्चे को आप इंडिया पोस्टिंग दे दीजिए। चूंकि इंडिया पोस्टिंग बहुत प्राइस पोजिशन था, बड़े पैसे कमा के बच्चा आएगा, तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाते थे सिफारिश करने के लिए लोग। तो शुरू शुरू में तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑटोनॉमसली फंक्शन करता था, तो भाई बहुत सारे लोगों की बात मानता होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोगों की बात नहीं मानता होगा। तो कुछ लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से नाराज भी होंगे, तो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से लोग नाराज थे
तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा कि भैया आप रिप्रेजेंटेटिव ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसलिए जो रेवेन्यू में आप काम कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट जमा करिए ब्रिटिश हुकूमत को, जो सिविल मैटर्स में आप काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट जमा करिए, जो मिलिट्री मैटर्स में काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट जमा करिए। तो इतने तरीके से, जिस तरीके से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उसके ऊपर कंट्रोल कसने की कोशिश की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। आगे बात आते हैं भैया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखिए, ये बोला गया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में है कुछ खामियां, उन खामियों को हटाना है। तो उन खामियों को हटाने के लिए लेके आया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब, इसके इसमें क्या क्या चीजें चेंज की गई। सबसे पहले तो इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे काफी इफेक्ट डाला। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे क्या क्या इफेक्ट डाला पहले तो ये देखते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, बेसिकली एक्चुअली गवर्नर ऑफ बंगाल को यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। गवर्नर ऑफ जो बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। अब वो एक तरीके से इंडिया का ही गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले भी उसे रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये गवर्नर जनरल प्लस इसकी जो काउंसिल थी, ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल प्लस इसकी काउंसिल, ये लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे थे। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर ये लोग कुछ काम करते हैं तो उस काम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उस काम से रिलेटेड कुछ भी गवर्नर जनरल से या उसकी काउंसिल से नहीं पूछ सकती। कुछ ऐसा ही प्रेसिडेंट के केस में भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको पता है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे देश के राष्ट्रपति को कुछ एडवाइसेस देते हैं और उन एडवाइसेस के बेसिस पे राष्ट्रपति डिसीजंस लेता है, साइन करता है। तो उस राष्ट्रपति को उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने जो कुछ भी किया है, या किसी स्टेट के गवर्नर को उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कुछ किया है, कोई भी कोर्ट उससे सवाल नहीं पूछ सकती। कुछ कुछ आप इसको यहां से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बना था, इससे ये बोल दिया गया कि भैया गवर्नर जनरल कोई ऑफिशियल काम कर रहा है या उसकी काउंसिल कोई ऑफिशियल काम कर रही है, तो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो जो भी काम करेंगे आप उस पर कोई भी इंक्वायरी या केस नहीं चलाएंगे। फिर जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, अब यहाँ पे तो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल की बात हो गई, तो सबसे ऊपर हो गए, कंपनी के नीचे बहुत सारे सर्वेंट भी काम कर रहे हैं। तो ये सर्वेंट्स जब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं, और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करने के लिए इनको इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉसेस ही बोलेंगे, तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कंपनी के सर्वेंट्स कोई काम कर रहे हैं उसके रिलेशन में भी सुप्रीम कोर्ट इन पे कोई मुकदमा नहीं चला सकता है। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर्वेंट्स अपने प्राइवेट कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर सुनवाई कर सकता था। बट अगर ऐसा कोई सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी के ऑर्डर्स पे कोई काम कर रहा है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी नहीं चला सकती। फिर रेवेन्यू मैटर्स, यानी कि ये जो टैक्स, रेवेन्यू मैटर समझ लीजिए मतलब टैक्स को लगाने की ताकत। जब भी रेवेन्यू मैटर से कोई बात आएगी, या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कैसे करना है, कितना हुआ, इन सब चीजों को जब देखने की बात आई, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन छीन लिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर जनरल को क्वेश्चन करने की ताकत, काउंसिल को क्वेश्चन करने की ताकत, सर्वेंट्स को क्वेश्चन करने की ताकत, और रेवेन्यू के मैटर्स पे क्वेश्चन करने की ताकत छीन ली गई, ठीक है। क्योंकि अगर इनपे क्वेश्चन करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, फिर तो वो किसी की सुनेगा ही नहीं, वो वहां का जज अपनी ही चलाएगा। तो भाई रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड किसी भी मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जोर नहीं रह गया। लेकिन एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कलकत्ता के रेजिडेंट्स के ऊपर पूरा जोर था। यानी कि यह कहा गया कि भैया कलकत्ता में अगर उसके पास कोई केस आता है इस चीज से रिलेटेड, मतलब नॉर्मल लोगों से रिलेटेड कोई कोर्ट आता है, जैसे मान लीजिए हिंदू से रिलेटेड कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको हिंदू लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। मुस्लिम से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से या मोहम्मदन लॉ के हिसाब से उस समय पे डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी, या फिर कह लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था, इट वाज एप्लीकेबल ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। यानी उस कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जितने भी लोग रह रहे थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था। और कोई हिंदू अगर अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता है, तो जो फैसला दिया जाएगा वो हिंदू लॉ के हिसाब से दिया जाएगा, मुस्लिम लेके आता है तो मोहम्मदन लॉ के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, उसके बाद अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट थी जो सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही थी, पर कैसे पहले कोर्टें नहीं थी, बिल्कुल थी भैया, बहुत कोर्टें थी, जैसे प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, अलग अलग प्रोविंसेस में अपनी अपनी कोर्ट्स थी।
तो अगर मान लीजिए प्रोविंशियल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील है, अभी आज की डेट में क्या होता है दोस्तों, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसकी अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसके अगेंस्ट अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सिंपल है। उसी तरीके से उस समय पे जब प्रोविंशियल कोर्ट्स ने कोई डिसीजन दिया तो शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो कहा जाएगा कि भाई अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन नहीं, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने इसको बदल दिया और बोला कि प्रोविंशियल कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है और उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल होती है तो वो जाएगी सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। तो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो था वो चला गया आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल से रिलेटेड अगर कोई रेगुलेशन बनाना है, अगर कोई लॉ बनाना है, तो वो बनाने की ताकत भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास है, यानी गवर्नर जनरल प्लस उसकी जो चार मेंबर की काउंसिल, उनके पास ये ताकत है कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स या काउंसिल से रिलेटेड कोई भी लॉ या रेगुलेशन बना सकते हैं। आगे भाई आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज बताता हूं कि इस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उन्होंने इस पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। अब यहां पे देखते हैं दोस्तों कि इस पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ। इस पिट्स इंडिया एक्ट से बहुत बड़ी चीज हुई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, उसको मैं थोड़ी देर में आता हूं। सबसे पहली बात तो ये बोला गया कि भैया द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, इनको सेपरेट करिए, इनको अलग करिए। यानी कि ये कंपनी कॉमर्शियल बेसिस पे भी काम कर रही है, यानी जो ट्रेड हो रहा है आपका ब्रिटेन के बीच में और इंडिया के बीच में, तो वो हो गया इसका कॉमर्शियल टर्म्स। दूसरा हो गया पॉलिटिकल फंक्शंस की, भैया अब तो आप एक टेरिटोरियल पावर की तरह बढ़ के आगे आ रहे हो, आपको बहुत जगहों के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स आ गए हैं, तो आप पॉलिटिकली भी फंक्शन कर रहे हो। तो लेकिन ये दोनों फंक्शंस अलग हैं। आप एक व्यापारी का फंक्शन होना और एक गवर्नमेंट का फंक्शन होना, जब आप पॉलिटिकल फंक्शन करते हो मतलब आप सरकार हो, और जब आप कॉमर्शियल फंक्शन करते हो तो आप व्यापारी हो। तो एज अ व्यापारी और एज सरकार आपके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, उनको डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। फिर जब ये बात कर दी गई कि कॉमर्शियल फंक्शंस अलग हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हैं, तो अब इन कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगा कौन? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सर्वे सर्वा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, मैंने आपको बताया। जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो तो रहे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। मैंने बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपका लंदन में बैठता है, लीडन हॉल स्ट्रीट में। जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के वो चले गए आपके एक नई बॉडी के पास। वो बॉडी का नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी भाई आपका लंदन में ही बैठता था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आपका लंदन में बैठता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका लंदन में बैठता था। तो अलग कैसे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश क्राउन को। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए सारे पॉलिटिकल फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि सरकार चलाने की जब बात आएगी तो वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, वो कौन चलाएगा? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलाएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में है? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है, वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। तो एक तरीके से डबल गवर्नमेंट आ गया, और इस डबल गवर्नमेंट में व्यापारी वाले काम, कॉमर्शियल काम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो पॉलिटिकल काम थे, सरकार चलाने वाले काम थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह ताकत मिली कि जितनी भी सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, या रेवेन्यूज है ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया के, वो जाएंगे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। फिर से बताता हूं, सिविल गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट, भैया जो भी आर्म फोर्सेस थी ब्रिटिशर्स की जो तैनात थी वहां पे, उसके ऊपर ताकत, सिविल फोर्सेस, पुलिस वुलिस में जो रिक्रूटमेंट होता था उसके ऊपर कंट्रोल, और रेवेन्यू का कंट्रोल, यानी अलग अलग जगहों से जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर्स, जो फार्मर हुआ करते थे ना, उनसे जो टैक्स लिया करता था उनके प्रोड्यूस पे, तो वो सब चीजों को डिसाइड करने की ताकत आ गई किसके पास? वो सब चीजों को डिसाइड करने की ताकत आ गई आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो सिविल गवर्नमेंट को चलाने की ताकत, मिलिट्री गवर्नमेंट को चलाने की ताकत, और रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड ताकत चली गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है, केवल कॉमर्शियल चीजें बची हैं, केवल ट्रेड की ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बची हुई थी।
तो इस एक्ट से हुआ क्या, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से, कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको बोला गया ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। अब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पजेशंस बोले जा रहे थे, बट अब उन्हें बोला गया ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। दूसरा बोला गया कि भैया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और ये कंट्रोल किसके थ्रू मिला? ये कंट्रोल मिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के जो शिकंजा था, जो अपना कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो कस लिया किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। बहुत सारी ताकत उनसे छीन ली और जो थोड़ी बहुत ताकत थी उसमें भी वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, आप ये सोचिए कि इतना कुछ कर क्यों रहे थे भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इतना कंट्रोल क्यों कर रहे थे? चूंकि आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो समय है ना, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का समय है और इस समय पे यूएस में, जो आज का प्रेजेंट डे का नॉर्थ अमेरिका है, वहां तरखाट मचा हुआ था। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है ना, यूएसए में भी भैया ब्रिटिशर्स ही गए थे और वहां पे रूल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन ब्रिटिशर्स ने अपने आप को अमेरिका बोल दिया और ब्रिटिश सरकार को टाटा बाय बाय कर दिया। ब्रिटिश सरकार से बोला कि भैया हम अलग कंट्री हैं, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन कुछ इस समय पे जोर पकड़ रहा था, उस चक्कर में इंडिया में इतने ज्यादा कंट्रोल किए जा रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786 की। एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू इससे पहले का जो एक्ट है 1784 को, उसको थोड़ा बहुत बदला गया है। क्या बदला गया? देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने जबरदस्त मतलब चेंजेस किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्होंने बोला कि मैं इस पोस्ट को दो शर्तों पे लूंगा, अगर आप मेरी दो शर्तें मान लेंगे तो मैं इस पोस्ट को ले लूंगा। पहली शर्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी कि कुछ केसेस में ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है चार मेंबर्स की, अगर इनकी परमिशन ना भी हो, अगर इनकी रजामंदी ना भी हो, तब भी मैं इस काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करके कुछ सर्टेन डिसीजंस लेना चाहूंगा। तो एक तरीके की वीटो पावर ले ली यहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दूसरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ डिक्लेयर किया जाएगा जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेज हैं, और जो ब्रिटिश की फोर्सेज में इंडियन लोग भी काम कर रहे, जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेज हैं इंडिया में उनका कमांडर इन चीफ होंगे आपके कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1786 का ये जो एक्ट था उसने इन दो चीजों को चेंज किया कि कॉर्नवालिस जी को दी गई एक वीटो पावर ताकि वो डिसीजन ऑफ द काउंसिल को ओवरराइड कर सके, वीटो कर सके, प्लस वही कमांडर इन चीफ होंगे। ओके, आगे बात करते हैं एक्ट ऑफ 1793 की। 1793 के एक्ट में पहला चीज क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ताकत दी गई थी ना कि भाई वो अपने काउंसिल की एडवाइसेस को ओवरराइड करके किसी एक चीज को अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ये ताकत अब सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को दे दी गई और उसी तरीके से प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर हुआ करते थे उनको भी ताकत दी गई। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां पे भी तो उन गवर्नर्स की एक काउंसिल थी, उस काउंसिल को भी ओवरराइड करने की ताकत वहां के गवर्नर्स को दे दी गई। तो अब ये जो कॉर्नवालिस के लिए एक्सेप्शन किया गया था कि भैया आप इन काउंसिल ऑफ मेंबर्स के रिकमेंडेशंस को दरकिनार कर सकते हैं, ये ताकत आगे के सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को दे दी गई। फिर भैया एक चीज ये दी गई। दूसरा, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर जो शिकंजा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, वो कसा गया पहले इस एक्ट से पहले। अब देखिए एग्जैक्ट उसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, 1793 से पहले ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी थे और गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, ये रिपोर्ट तो करते थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, उनसे इंफीरियर थे, बट फिर भी कुछ मैटर्स में वो अपने डिसीजन खुद लिया करते थे। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो शिकंजा था वो और कसा इन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के ऊपर, और इन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की बहुत सी जो ताकतें थी जो वहां के गवर्नर्स के पास थी, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ गई। ओके, फिर ये कहा गया कि भैया, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भैया पॉलिटिकल फंक्शंस और आपके कॉमर्शियल फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग किए गए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के अंदर जो ट्रेड करने की परमिशन थी, जो इंडिया के अंदर ट्रेड करने की बादशाहत थी, मोनोपोली थी, वो भाई केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और किसी के पास भी नहीं थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग इस बात पे बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि भैया अब इस ट्रेड मोनोपोली को हटाइए, कंपनी को आपने ट्रेड मोनोपोली क्यों दे रखी थी? लेकिन भाई कंपनी भी ताकतवर थी, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना वो भी ताकतवर थे, वो भी पैसा भेज रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को। तो उस चलते ये कहा गया कि भैया आपने पॉलिटिकल पावर्स तो छीनी ली है आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है,
जो कॉमर्शियल मोनोपोली आपने कंपनी को दे रखी है वो 20 साल और बढ़ाई जाती है, यानी 1793 से 20 साल बढ़ा दिया, मतलब 1813 तक अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड करने की मोनोपोली है। ओके, ये एक चीज करी गई। उसके बाद चौथा पॉइंट जो दे रखा है आपकी बुक में कि कमांडर इन चीफ जो होगा, ओके, नॉर्मल कर वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में नहीं होगा अंटिल अनलेस उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपॉइंट किया जाए। देखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में थे 4 लोग, अब वो 4 थे, तो अब ये कहा गया कि भैया ये जो कमांडर इन चीफ है, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनका जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो 4 मेंबर्स है उनको बिलोंग नहीं करेगा, अंटिल अनलेस स्पेसिफिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर आया हो कि नहीं भैया ये जो कमांडर इन चीफ है इन 4 लोगों में से एक होगा। जब तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है तब तक कमांडर इन चीफ एक अलग पोस्ट होगी, गवर्नर जनरल तो अलग है ही, और साथ साथ जो 4 काउंसिल मेंबर्स हैं वो अलग है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्न वॉलिस ने शर्त रखी थी कि मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा, लेकिन कॉर्न वॉलिस के बाद के जो गवर्नर जनरल आए हैं वो सारे कमांडर इन चीफ नहीं रहे। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक बहुत खतरनाक चीज ये हुई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपका ब्रिटेन में ही बैठता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो बैठता ही था ब्रिटेन में, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन बैठता था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और प्लस इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके काम करने का खर्चा, उनकी सैलरी, उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे आपके भारतीय रेवेन्यू से, यानी भारत से जो पैसा आ रहा है उस पैसे के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की फीस, उनके स्टाफ की फीस, उनका सारा खर्चा, वो सब कुछ बियर किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से। और भैया वो बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते थे, तो ये खर्चा अच्छा खासा था, कम नहीं था। आगे बात करते हैं भाई चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया भैया, देखिए 1793 में तो 20 साल के लिए जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, कॉमर्शियल मोनोपोली थी कंपनी की, वो कर दी गई थी एक्सटेंड। यहां पे जो भाई ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की उसको एबॉलिश कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी वॉज अबॉलिश्ड। कहा बोला गया कंपनी को, भैया अब आपके पास ट्रेड की मोनोपोली नहीं है, बाकी लोग भी अब इंडिया आके धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, तो जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट थे वो सब अब इंडिया में आके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ऐसा बोला ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन दो जगहों पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई। पहली बात तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि भाई चाय से रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसके ऊपर आपकी मोनोपोली है, दूसरा चाइना से जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर आपकी मोनोपोली। इन सबके अलावा हर चीज में ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में आ सकते हैं, यहां रह के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज क्या हुई कि भैया ये बोला गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है वही सोवरेन है और ब्रिटिश क्राउन ही मालिक है कंपनी की सारी टेरिटरीज का, यानी कि एक बार इस चीज को और असर्ट किया गया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी करते रहते हैं ना लोग इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी मालिक नहीं है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की भी मालिक, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की बाप है ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये जो ब्रिटिश क्राउन है, ये जो ब्रिटेन का राजा है या रानी है, यही मालिक है हर चीज का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस उस ब्रिटिश क्राउन की नौकर है। इस चीज को फिर से एक बार असर्ट किया गया ताकि सबको ये पता चले कि यहाँ पे असली राजा, असली मालिक कौन है। ओके, एक और चीज की गई कि भैया क्रिश्चियन मिशनरीज से बोला गया कि आप इंडिया में आके अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इंडिया आइए, अपनी चीजों को इंडिया के लोगों को सिखाइए और लोगों को एनलाइटन करके आप अपने धर्म का प्रचार आके इंडिया में करिए, ये कोशिश की गई। तो भैया ये क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए और उन्होंने बहुत हद तक क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने की कोशिश की, और उस चक्कर में एक ये भी रीजन बना कि 1858 का जो रिवॉल्ट हुआ, लोगों को ये लगा कि जबरदस्ती दूसरी थॉट्स, दूसरी थिंकिंग, दूसरी पढ़ाइयां हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, इस चक्कर ये भी एक रीजन बना 1858 के रिवॉल्ट का। ओके, फिर भैया ये बात की गई कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं वो जगह है, मतलब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो राज है उसमें भैया वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाइए, यानी जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने की, कह सकते हैं कि सहूलियत दी जाए कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ सके। यानी कि इन लोगों ने इस बात पे जोर नहीं दिया कि आप वर्नैकुलर टीचिंग्स को पढ़िए, वर्नैकुलर लैंग्वेज को पढ़िए, जो आपका खुद का कल्चर उसको पढ़िए, उस कल्चर को तो उन्होंने सीधे दरकिनार किया, कहा भैया वेस्टर्न एजुकेशन, और जब वेस्टर्न एजुकेशन आप पढ़ेंगे तो आप वेस्टर्न कल्चर पढ़ोगे, ये चीज बोली गई। और उस समय पे एक और चीज हुई कि लोकल गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप लोगों पे टैक्स लगा सकते हो और इस टैक्स को कलेक्ट करके
आप ऑब्वियसली अपने जो लोकल लेवल पे जो थोड़ा बहुत काम होते हैं, जैसे इरिगेशन का काम हो गया और जो छोटे मोटे चीजें बनानी हो गई, वो आप कर सकते हो। देखिए क्या होता ना, उस समय के जो किसान थे, जो लोग थे, वो ऑलरेडी ही ब्रिटिशर्स के टैक्स के नीचे बुरी तरीके से दबे हुए थे, उनके ऊपर गुंजाइश नहीं थी कुछ करने की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा ये प्रेशर पड़ा कि भैया हम लोग वेलफेयर में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस अपने काम के लिए पैसा खींचे जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक मास्टर गेम खेलते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट हमने बना रखी है ना, और इन लोकल गवर्नमेंट्स के पास बाय द वे कोई ताकत वाकत नहीं थी, बस इनके पास इतना ही था कि अपने लिए छोटे मोटे टैंक बना लिए, इरिगेशन की चीज कर ली। रियल में इनके पास, लोकल गवर्नमेंट्स के पास कोई ताकत नहीं थी, बट इनसे बोला गया कि तुम लोकल गवर्नमेंट से बोला गया कि आप अपने एरियाज में टैक्स को इम्पोज कर सकते हो। अब ये लोकल गवर्नमेंट्स क्या टैक्स इम्पोज करेंगी जब ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार ने इतना टैक्स लगा रखा है। और इन लोकल गवर्नमेंट से कहा गया कि आप टैक्स इम्पोज करिए और उस टैक्स से जो आए उसको आप अपने एजुकेशन में, आप अपने एग्रीकल्चर में, या फिर कोई टैंक वगैरह में, किसी भी चीज में आप खर्चा कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ पे जो लोग हैं जिनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, अगर वो आपको टैक्स नहीं देते हैं, तो आप उनको दंडित भी कर सकते हो, सजा भी दे सकते हो। ठीक है, वो मरे जिए, उससे ब्रिटिश सरकार को तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, और इसका रीजन एक ये भी था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स पे जिन लोगों को अपॉइंट किया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो इस बात से बड़ा परेशान रहते थे कि हम लोग को लोकली कुछ करने को मिलता नहीं है ना, हमारे पास कोई पैसा होता है, क्योंकि सारा पैसा तो ब्रिटिशर्स ही खींच लेते थे अपने पास। तो उस चक्कर में एक खुश करने के लिए इस, आप कह सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने। इसका होने कुछ नहीं वाला था, ये उन्हें भी मालूम था, क्योंकि पैसा था नहीं फार्मर्स के पास देने के लिए, ऑलरेडी वो सब कुछ ही दे रहे थे। फिर आगे बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने, अब मेन चीज आएगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया। तो 1833 से जो अपॉइंट होगा उसको आप बोलोगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे आपके विलियम मेंटिक। ठीक है, विलियम मेंटिक। यूपीएससी में जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हो तो उनको लॉर्ड विलियम मेंटिक लिखिएगा, ठीक है, विलियम मेंटिक मत लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मल, हम तो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से फॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, तो अपने किसी भी फॉर्मल आंसर में लॉर्ड विलियम मेंटिक लिखिएगा। ओके, ठीक है, तो गवर्नर जनरल बंगाल को दर्जा दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में सारी सिविल पावर्स थी, सारी मिलिट्री पावर्स थी। ठीक है, टोटल जो टेरिटोरियल इंडिया था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, उसके पूरे के ऊपर इनके पास अथॉरिटी थी। तो सारी सिविल पावर, सारी मिलिट्री पावर्स, कंप्लीट एरिया के ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी थी इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो जब यह अथॉरिटी दी गई तो भाई गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो कुछ थोड़ी मोड़ी लेजिस्लेटिव पावर्स बची थी वो भी उनसे छीन ली गई। तो अब अगर बॉम्बे या मद्रास में कोई लेजिस्लेशन करना है, कोई नियम बनाना है, तो वो ताकत अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। यानी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लेजिस्लेशन, नियम बनाने से रिलेटेड सारी ताकत कहां आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। अब नियम बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर नहीं बना सकता, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल में बैठ के बना देगा वही बॉम्बे मद्रास दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा। और इस एक्ट से एक चीज ये भी बोली गई कि इससे पहले जो कुछ भी नियम बने थे उनको आप बोलोगे रेगुलेशन, और इस नियम से लेके आगे जो भी नियम बनेंगे उनको आप बोलोगे एक्ट, ये भी कहा गया। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल कंपनी थी। लेकिन कॉमर्शियल कंपनी 1813 में क्या होता, 1813 में भाई चाय में वो ट्रेड कर सकते थे, चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड था ना वो भी हटा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल पावर तो छीन ली गई थी, नियम बनाने की ताकत उसके पास थी नहीं, उसके पास कॉमर्शियल ताकत थी। वो कॉमर्शियल ताकत भी उसके पास 1833 में चली गई। अब एज अ कॉमर्शियल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद क्या था, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव काम बचे थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, मतलब कि भाई नियम ब्रिटेन से बनेंगे, ठीक है, वो कौन बनाएगा ब्रिटेन के बिहाफ पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। ओके, उस नियमों को इंप्लीमेंट करने में और थोड़ा बहुत उनको लागू करने में उस एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमर्शियल कंपनी थी और ना ही वो पॉलिटिकल कंपनी थी, मतलब रिलेशंस बनाना, नियम बनाना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पहले ही नहीं था। कॉमर्शियल जो ताकतें थी वो चली गई, अब वो बस सिर्फ एडमिनिस्टर करेगी। ओके, ये चीज सिंपल सिंपल बोल दी गई। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक और प्रावधान लेके आया गया, कोशिश की गई लाने की, हालांकि इसको ला नहीं सके।
ये बोला गया कि भाई एक ओपन कंपटीशन किया जाएगा और इस ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को चुना जाएगा, जो आज की डेट में आईएएस पीसीएस हुआ करते थे ना, ये सिविल सर्वेंट्स ही हैं। उस समय पे इन सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कॉम्पिटिशन होगा और ये कहा जाएगा कि भाई इंडियंस को आप किसी भी तरीके की पोस्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट या ऑफिस को होल्ड करने से रोकोगे नहीं। होता क्या था पहले फ्रेंड्स, दो चीजें होती थी। पहले एक होती थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, एक होती थी नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में सबसे आला दर्जे के अफसर आते थे और नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में नीचे के दर्जे के, जैसे क्लर्क हो गया, प्रिंट हो गया, टाइपिस्ट करने वाला हो गया, फालतू फालतू काम करने वाले जो लोग होते हैं उस टाइप के। तो नॉन कोवेनेंटेड सर्विसेज में तो भाई काम करते थे इंडियंस, बट कोवेनेंटेड सर्विसेज जो होती थी ना उसके लिए सीधे ब्रिटेन से आते थे लोग। और भाई यही सबसे बड़ी चीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने जान पहचान के लोगों को यहां भेज देते थे क्योंकि अच्छी पोस्टिंग थी, कमाई अच्छी होती थी। ठीक है, तो इस चीज को मतलब करने की कोशिश की गई, जो कोवेनेंटेड सर्विसेज हैं, इन कोवेनेंटेड सर्विसेज में भी भैया इन सिविल सर्वेंट्स को, मतलब इसमें भी इंडियंस को अपियर होने की, इंडियंस को सेलेक्ट होने की सहूलियत दी जाए। लेकिन इस प्रोविजन के खिलाफ भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बवाल खड़ा कर दिया कि हम ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी एक्टिव था, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। भले ही उसकी पावर एज अ कॉमर्शियल बॉडी आपने ले ली, बट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में, काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी इन्वॉल्व थी, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया 1858 में, बट तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई ये तो हम नहीं होने देंगे, भैया ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू नहीं, सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट तो भैया हमारा प्रेरोगेटिव है, ये तो हमारा सबसे प्राइज चीज है, इसे ही आप हमसे छीने ले रहे हो। तो ये होने नहीं दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। फिर आगे आते हैं, 20 साल बीत गए, अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या कहा? सबसे पहली चीज, ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है ना, इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस को और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को करो अलग। यानी कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग सिर्फ लेजिस्लेशन का काम देखें और कुछ लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव काम देखें। जैसा कि मैंने बताया, लेजिस्लेचर होता है फ्रेंड्स आपका नियम बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है नियम को इंप्लीमेंट करना। तो नियम बनाने के लिए 6 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। 6 नए मेंबर्स को नियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में डाला गया और इनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ओके, इनको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। इनका स्पेशल काम यह था कि भैया गवर्नर जनरल की मदद करिए लेजिस्लेशन को बनाने में। ठीक है, इसीलिए एक सेपरेट आपका गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, जिसको बोला गया इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में हुआ है। पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको दो भागों में बांटा गया, एक था लेजिस्लेटिव फंक्शन जिसका काम था नियम बनाना, दूसरा था एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिसका काम था नियम इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, और उनको मिला के बना क्या, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप कह सकते हो कि दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ मिनी पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेटिव विंग थी, जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में काम करती थी, कुछ कुछ उस तरीके से ये चीज यहां पे काम करेगी, उसको जितना हो सके उतना कॉपी करने की कोशिश करेगी, पूरी तरीके से तो कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर भाई जो चीज पहले करने की कोशिश की गई थी कि हाँ एक ओपन कॉम्पिटिशन बनाइए सिविल सर्वेंट्स के लिए, कि सिविल सर्वेंट्स यहां पे आके, मतलब कॉम्पिटिशन के थ्रू जो इंडियन लोग हैं वो भी सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीज की बात कही गई। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स की जो भी सिविल सर्विसेज दो भागों में थी, एक कोवेनेंटेड थी, एक अनकोवेनेंटेड थी। अनकोवेनेंट में नीचे के लेवल के लोग थे और कोवेनेंटेड में आपके हाई लेवल के लोग थे, तो नॉन कोवेनेंटेड और कोवेनेंटेड। तो ये बोला गया कि भैया अब ये जो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है वो ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस के लिए भी खुली हुई है, अब इंडियंस ये एग्जाम दे सकते हैं और अगर वो एग्जाम में सेलेक्ट हुए तो उनको भाई एक हायर दर्जे की पोस्ट पे भी बिठाया जा सकता है, इस तरीके की चीजों को बोला गया। और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कमिटी बनाई गई जिसका नाम था मैक्वेले कमिटी। इस मैक्वेले कमिटी को अपॉइंट किया गया 1854 में। सब कुछ मैं होप कर रहा हूं कि आप अपनी किताब में हाई लेटर के थ्रू मार्क करते चल रहे हो। ओके, अब जब तक बात आई कंपनी की,
तो देखिए कंपनी का रूल जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कंपनी का रूल मतलब कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रही थी चीजों को, एडमिनिस्टर कर रही थी, ठीक है। तो आप कंपनी के पास कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट, जो उसकी मोनोपोली थी वो छीन ली गई थी, कंपनी से उसके पॉलिटिकल फंक्शंस छीन लिए गए थे, काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल कर रहा था यूके में बैठ के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ज्यादा ताकतें बनी नहीं थी, बट फिर भी कंपनी इंडिया में रह के जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे और कंपनी के बिहाफ पे जो रूल कर रहा था आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये जो कंपनी थी ये एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रही थी। तो आप कह सकते हो कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था इसको इंडिया में आगे रहने की परमिशन दी गई, बट दिस परमिशन वॉज विदाउट अ टाइमलाइन, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हो रही थी बहुत सारी क्लैशेस। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी का हेड था वो ये बोल रहा था कि भैया हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, हमें और ताकत चाहिए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा सीधा रिप्रेजेंटेटिव था वो कह रहा था उल्टा कि नहीं भैया ये कंपनी को हटाओ, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर प्रेशर डल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश क्राउन से, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के ऊपर जो इंग्लैंड की सोसाइटी के बाकी इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे वो प्रेशर डाल रहे थे कि भैया कंपनी को अभी तक सहूलियत क्यों दिया जा रही, इसको हटाओ। ओके, तो उस चक्कर में कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया गया लेकिन किसी टाइमलाइन के बिना एक्सटेंड किया गया, यानी अब जब भी ब्रिटिश क्राउन चाहेगा उस समय पे ब्रिटिश क्राउन पूरी तरीके से कंट्रोल ले सकता है इंडिया की टेरिटरीज का, कंपनी को एक झटके में वो हटा सकता है। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि 1813 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 1833 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 1853 में एक्सटेंड ही नहीं किया गया, एक्सटेंड किया गया बट कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि इतने साल के लिए, बस कर दिया एक्सटेंड कि हाँ भाई जब मन करेगा तब इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, इस कंपनी के रूल को हटा के फेंक देंगे। कंपनी को हटाना मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का है। आप कुल मिला के ये समझ लीजिए कंपनी के जो सर्वेंट्स थे जो इंडिया में काम कर रहे थे उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था काम करने के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे थे। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की झड़प किससे हो रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हो रही थी। जो बैकग्राउंड में जो पॉलिटिक्स चल रही थी ना दोस्तों, ये इंग्लैंड में चल रही थी, लंदन में, और किन दो एंटिटीज के बीच में चल रही थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर था, उनका यह बोलना था कि भैया कंपनी को हटाओ और हम राज में आते हैं, और बस कंपनी हटने वाली है। 1858 में एक चीज आई और कंपनी हट दी गई, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। फिलहाल के लिए अभी 1853 में कंपनी के रूल को किया गया है एक्सटेंड कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए यह नहीं बताया गया। ओके, अब आगे देखते हैं दोस्तों। पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू कहा गया कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसमें थोड़ी बहुत लोकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। थोड़ी बहुत लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो यहां के, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हमने इससे पहले बात की, ठीक है। अब ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें जो लोग आएंगे वो आएंगे कहां से, लंदन से आएंगे। तो ये बोला गया कि लंदन से आप इनको बुला रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो यहां से भी लोगों को बुलाओ ना। तो जो 6 मेंबर्स आप अपॉइंट करोगे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक काम करो उन 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर आप यहीं से अपॉइंट करो, और वो 4 मेंबर्स कहां से अपॉइंट होंगे, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है मद्रास की, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बॉम्बे की, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बंगाल की, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है आगरा की, इन सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से एक एक मेंबर उठा लो आप और इन 6 लोगों में अपॉइंट कर दो, और 2 लोग को जो आप बाहर से भेजते हो वो भेज दो। ये बात उठी तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, भैया लेजिस्लेटिव काम करेगी, ये तो बना ही बना, ठीक है। और ये बोला गया कि जो 6 मेंबर्स नए आ रहे हैं इनमें से 4 मेंबर आप लोकली उठा लो। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना ये पहले से एग्जिस्टेंस थी, कई सालों से एग्जिस्टेंस थी। इस काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया इस एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, और इस लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए यह बोला गया कि भैया 6 नए मेंबर्स आप अपॉइंट करो। और ये जो 6 नए मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए बोला गया, ये कहा गया कि इन 6 में से 4 आप लोकली उठाओ। तो एक उठा लो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास से, एक उठा लो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे से, एक उठा लो बंगाल से, एक उठा लो आगरा से। ये चीजें बोली गई। तो देखिए मैं यहां पे चल रहा हूं आपका इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है उसके हिसाब से। वैसे तो देखिए ये जो सारे एक्ट मैंने आपको बताया 1853 के, 1833 के, 1813 के, इसमें और बहुत सारी इंट्रीगेसीज हैं, ओके, लेकिन उन सारी इंट्रीगेसीज में ना जाके जितना कुछ आपका लक्ष्मीकांत दे रखा है उस हिसाब से मैं आगे लेके चल रहा हूं ताकि आपकी जो बुक वाइज स्टडी है वो पूरी हो। बाकी जब हम हिस्ट्री में बुकें उठाएंगे तो वहां पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम लोग क्राउन रूल से शुरुआत करेंगे, क्राउन रूल जो कि 1850
1848 से 1947 में था, तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखेंगे, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर आपका हम लोग समीन कमीशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, कम्युनल अवार्ड के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाएगा 1947 का। देखिए ये बहुत मेजर चीजें हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताना शुरू करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उस गवर्नमेंट में अलग अलग मेंबर्स ने कौन कौन से पोर्टफोलियोस को हेल्ड किया था, ये सब चीजें मैं देखूंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसको लाइक किए मेरा जाइएगा मत, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बड़ी मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने को, तो जितना ज्यादा आप लोगों के साथ इनको शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।